डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। आपको बताना चाहेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्तों, पोटेंशियल डिवाइडर बाय सर्किट। ये आपके पेपर्स में दोस्तों 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बात इतनी है दोस्तों, हमने आपको जो 4 टाइप्स के सर्किट्स बताए, अर्थात फिक्स्ड बायसिंग सर्किट, और एक बताया हमने कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, एक बताया हमने सेल्फ सर्किट। ये आपके 3 सर्किट में आपको दोस्तों ये जो चौथा है पोटेंशियल डिवाइडर बाय सर्किट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरा पॉइंट वाइज बताने वाले हैं, जो कि आपके पेपर्स में बहुत बार पूछा गया है, और अगर बायसिंग सर्किट में पूछा जाता है तो यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको 2 कंप्लीट कर दिए हैं, आज है तीसरा पोटेंशियल डिवाइडर बाय सर्किट, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको समझना है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट का हमने लिंक दिया है, जाकर आप एक टॉपिक को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये आपको सर्किट यहाँ पर कंप्लीट दिखाया जा रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सर्किट के बारे में ओवरव्यू दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2 रेजिस्टेंस है, ये RC है। बात दोस्तों ये है कि एक प्रकार का ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, कलेक्टर है, और ये आपका एमीटर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल दोस्त होते हैं, कलेक्टर, बेस, एमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये बेस से लेकर एमीटर, ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं VBE, बेस से लेकर एमीटर के बीच यहाँ पर VBE वोल्टेज है, और यहाँ पर आपका C कलेक्टर है, ये आपका एमीटर है, इसलिए यहाँ तक वोल्टेज आपका VCE है। ठीक है, कलेक्टर और एमीटर वोल्टेज। और यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, चूंकि ये कैसा दोस्तों परिपथ है, ये आपका एमीटर का सर्किट, इसलिए RE रेजिस्टेंस लगा है, और एक आपका यहाँ पर RC रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं इसमें आपके 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्सटर्नली बाहर से यहाँ पर देख सकते हैं कि R1 R2 लगाया गया है, RC और RE ये यहाँ पर दोनों पूर्ण रूप से कनेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई, और यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर VCC सप्लाई दोनों को, मतलब बेस को और कलेक्टर को दोनों को दी जा रही है, जैसा आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्किट का हम थोड़ा आपको समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया कि इसमें बायसिंग 3 प्रतिरोधकों R1 R2 और RE द्वारा प्रदान की जाती है। R1 तथा RE को पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कहा जाता है। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट या विभव विभाजक परिपथ के कारण ही बेस से स्थिर वोल्टेज VB मिल जाती है। यहां पर आपको समझाना चाहेंगे इस सर्किट का विश्लेषण थेवेनिन थ्योरम की सहायता से किया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बताइए पोटेंशियल डिवाइडर रूल, जो आपका पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो होता है, ये किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, तो दोस्तों ये आपका थेवेनिन प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, अगर आपने थेवेनिन थ्योरम को आपको नहीं पता तो हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत डिटेल से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का दोस्त हमने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल, आप सभी को पता है कि मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुका हूँ आपको, एक टॉपिक ओनली बैटरी चैप्टर बचा हुआ है और सभी चैप्टर कंप्लीट है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, थेवेनिन थ्योरम पर आधारित है। तो यहां पर बताया गया, इसमें आप जैसा देख सकते हैं जो इनपुट हो रहा है, यहां से आप सप्लाई देख रहे हैं, एक R1 रेजिस्टेंस, एक RC रेजिस्टेंस, और एक यहां पर आपका, एक यहां पर आप देख सकते हैं ये R2 रेजिस्टेंस। RE से यहां पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लगाया गया, इस चीज को हम आपको समझाते हैं अभी। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है कि आप जब यहाँ पर विभव विभाजक परिपथ के कारण ही बेस से स्थिर वोल्टेज VB मिल जाती है, अर्थात यहाँ पर R1 R2 को लगाने से ही यहाँ पर बेस पर स्थिर वोल्टेज VB मिल रही है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, आगे समझाते हैं। देखिए दोस्त, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए थेवेनिन थ्योरम में RTH और VTH ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, RTH और VTH, अर्थात थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। चूंकि यहाँ पर R1 और R2 है, तो हमें R1 और R2 नहीं चाहिए, हमें RTH चाहिए और VTH चाहिए। तो आइए RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों VCC को शॉर्ट सर्किट माना जाए तो R1 R2 का एक सिरा बिंदु B पर और दूसरा सिरा ग्राउंड हो जाएगा। इस प्रकार से R1 R2 समांतर में आ जाएंगे। हमारे कहने का मतलब दोस्त, जैसा आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि R1 का हो, R2 का भी एक यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, और अगर आप इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा,
जाएगा, R1 का भी एक यहाँ पर आपका अर्थ हो जाएगा। तो R1 और R2 दोनों अर्थ हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, R1 R2 एक दूसरे के दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पहले आप समझिएगा, देखिए दोस्तों आपके थेवेनिन थ्योरम का यही रूल होता है कि जब आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर ओपन सर्किट। तो यहां पर जैसा वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसीलिए यहां पर आपको RTH निकालने के लिए VCC को शॉर्ट सर्किट तथा जो वोल्टेज आप VCC सप्लाई दे रहे हैं उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे मानेंगे, और यहां पर R1 R2 का एक सिरा इस प्रकार क्या हो जाएगा, बिंदु B पर अर्थ हो जाएगा और दूसरा सीधा यहां पर ग्राउंड पे अर्थ हो जाएगा। अब देखिए R1 R2 यहां पर क्या हो जाएंगे, समांतर में आ जाएंगे। कैसे इस चीज को आप समझ सकते हैं, देखिए ऐसा हमने यहां पर फिगर के माध्यम से दोस्तों आपको हमने बताया, ये आपका ये ट्रांजिस्टर है, इसमें क्या होगा, ये भी आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जब यहां पर R1 R2 दोनों यहां पर ये आपको जो ऊपर दिख रहा है ये हमने अर्थ किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा दोस्त, जब यहां पर आपका दोनों R1 और R2 दोनों अर्थ होंगे तो ये सर्किट आपका पूरा क्या होगा, ये सर्किट पूरा एक दूसरे के पैरेलल होगा, अर्थात R1 और R2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और पैरेलल का रूल आपको पता है, मेरा बात आप समझ रहे हैं दोस्त, मेरी बातें यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर R2 लगा है और ये एक सर्किट ये लूप में आपका R1 है, तो ये दोनों ये बीच में आप क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल का रूल होता है दोस्तों 1/R=1/R1+1/R2। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं R=R1R2/R1+R2। यहां पर आपको जो RTH प्राप्त हो रहा है ये इसको कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो पहला पॉइंट यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल का यही आता है इस सर्किट में कि आपको पहले RTH का मान निकालना होगा, उसके बाद यहां पर आपको VTH का मान निकालना होगा। तो VTH के लिए क्या करेंगे दोस्त, तो सिंपल सा आपको समझना है कि बिंदु B पर ओपन सर्किट वोल्टेज को ही थेवेनिन वोल्टेज VTH कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यहां पर इस साइड में ट्रांजिस्टर के लगे थे जो वीसी सप्लाई या फिर वहां पर आईसी और आईई सर्किट था उसको पूर्ण रूप से यहां पर हटा दिया जाएगा। मेरी बात समझिएगा दोस्त, ये जो आप इस प्रकार का सर्किट देख रहे हैं इसको पूर्ण रूप से यहां हटाएंगे और ओनली R1 R2 यहां पर बचेगा और यहां पर बेस का पॉइंट बचेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं बिंदु बी पर ओपन सर्किट वोल्टेज को ही यहां पर थेवेनिन वोल्टेज VTH कहते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो यहां पर क्या होगा, ओनली R1 और R2 यहां पर बचेगा। मेरा मतलब दोस्त ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये बेस पॉइंट जो है इसको ओपन कर दिया जाएगा, इस सर्किट को यहाँ पर से कट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। जब दोस्त ओपन कर दिया जाएगा तो ओनली आपका R1 R2 ही यहाँ पर इस साइड में बचेगा और इसके पैरेलल आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर जो VTH होगा वही आपका थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको VCC जो आप सप्लाई यहाँ से तो दे रहे हैं और ये नीचे वाला अर्थ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका बेस पॉइंट था इसको हमको ओपन कर देना है और जो VCC सप्लाई आप दे रहे हो उसको देंगे और ये जो आप नीचे अर्थ है वो अर्थ है, चूंकि हमने आपको पहले भी दिखाया कि आपका R2 की साइड को एक अर्थ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब इसको ग्राउंड कर दिया गया है अब यहाँ पर आप VTH कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों डिवाइडर रूल यही होता है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल। तो यहां पर आपको पोटेंशियल डिवाइडर रूल कैसे लगाना है, VTH निकालना है तो आपको R1 में निकालना है तो R1 अपान R1 प्लस R2 करना है। जैसे आपका यहां पर R1 के पैरेलल यहां पर आपको VTH प्राप्त होगा तो सिंपली यहां पर आपको लिखना है VTH इक्वल टू R1 ऊपर होगा और नीचे R1 प्लस R2 और सप्लाई जो आप देख रहे हैं क्या दे रहे हैं दोस्तों VCC इनटू क्या कर देंगे VCC, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह चीज। तो आपको यहां पर से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर VTH का मान निकालना है, तो आपने RTH और VTH निकाल लिया जिसे थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब दो पॉइंट्स आपने यहां पर निकाल लिया दोस्तों तो आपको क्या करना है VTH और RTH के मान को रखना है। जब आप VTH देखिए, अब आप सर्किट को समझिए, इस साइड का सर्किट आपको RC था अर्थात यहां पर आपको IC करंट आ रही थी, ये आपका कलेक्टर सर्किट था और इस साइड जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपका एमीटर सर्किट था। ठीक है, इस साइड में क्या किया गया, जो R1 और R2 रेजिस्टेंस लगा गया था उसकी जगह पर हमने क्या
वाला RTH। तो सिंपली यहां पर आप बेस की यहां पर रेजिस्टेंस जो लगाएंगे RTH, और जो इस साइड आप यहां पर से वोल्टेज देख रहे थे, जो इस पॉइंट पर बेस पर अभी आपने वोल्टेज कितना निकाला VTH, तो सिंपली यहां पर आप क्या करेंगे RTH और इनटू क्या कर दें इनटू मतलब यहां पर आप सर्किट में क्या क्लिक करेंगे VTH। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर R1 और R2 की जगह पर यहां पर तुल्यांक आपको इक्विवेलेंट निकालना था, और जो इक्विवेलेंट है वही RTH है। तो RTH आप सिंपली यहां पर आपने निकाल लिया और VTH निकाल लिया जो कि आपने अभी इंक्लूड किया। बेस करंट इसमें IB जा रही है, यहां पर आपकी IE करंट जा रही है, और ऊपर से आपकी यहां पर IC आ रही है रेजिस्टेंस RC के माध्यम से जो कि VCC सप्लाई के आ रही है। अब देखिए ये चीज जो सर्किट है इसी सर्किट को इस साइड में बनाया गया है। ये दोस्त क्या है, ये इनपुट सर्किट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपका इनपुट और आउटपुट दोनों है, हम इनपुट सर्किट को आपको इंक्लूड करते हैं। तो देखिए दोस्त ये जो अंदर वाला आप देख रहे हैं इसको आप लूप नंबर 1 यहां पर आप इसको लेंगे। जब आप लूप नंबर 1 लेंगे तो ध्यान से समझिएगा, लूप नंबर 1 लेंगे तो यहां पर आपको KCL लगाकर, यहां पर आप KCL नहीं दोस्त KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाकर यहां पर आपको सर्किट को कंप्लीट, क्योंकि आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट और इनपुट करंट ये कितनी होगी ये सारी चीजें आपको निकालना है, तभी आप दोस्त जो ये क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको आप निकाल सकेंगे या फिर आप बता सकेंगे उसके मान को समझा सकेंगे। अब देखिए यहां पर दोस्त क्या है कि जब यहां पर आप निकालेंगे लूप पर तो सिंपली से आप ध्यान से देखिए, आपको ये यहां पर नियम लगाना है, जब इस साइड से ऐसे चलेंगे तो पहले आपको क्या पड़ेगा, पहले आपका VTH, फिर आपका दोस्त रेजिस्टेंस RTH है तो होगा माइनस IB RB, ठीक है, फिर आगे दोस्त क्या होगा, फिर आपका VB है तो ये आपका हो जाएगा माइनस VB, क्योंकि जो आप पॉइंट्स छोड़ते हैं उसी को सबसे अगर आप इधर आएंगे तो लास्ट में क्या होगा माइनस होगा, इसलिए माइनस VB। फिर आपका रेजिस्टेंस RE है तो होगा माइनस IE और RE, ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल आपका 0। ये पूरा इस प्रकार से लूप, अब आपको हम नीचे भी दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए इनपुट साइड किरचॉफ KVL लगाने पर दोस्त क्या होगा, VTH होगा, फिर आपका IB RTH होगा, फिर आपका दोस्त माइनस VB माइनस IE RE होगा, इक्वल क्या होगा 0 होगा। यही चीज यहां पर इस लूप में जब आप लगाएंगे तो यही सेम जो यहां पर हमने लिखा है वही पॉइंट्स यहां पर आएगा। अब यहां पर दोस्त होता क्या है कि IE जो आपकी एमीटर करंट होती है उसके बीच रिलेशन होता है बेस में, IE इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB, ये आपका रिलेशन होता है IE इक्वल टू बीटा 1 प्लस IB, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, अब दोस्तों यहां बीटा क्या होता है, ये आपका करंट एम्पलीफिकेशन होता है, ठीक है, ये करंट एम्पलीफिकेशन होता है, अल्फा भी करंट होता है करंट एम्पलीफिकेशन, और गामा भी होता है। अल्फा बीटा या गामा सब अलग अलग चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने पहले भी सबसे वीडियो में आपको पहले भी इंक्लूड की थी कि अल्फा बीटा क्या होता है और ये सब फार्मूले क्या होते हैं, मैं आपको बताया था। दोस्तों अल्फा की बात करें तो दोस्तों अल्फा होता है आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट उसमें क्या होता है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं तो कॉमन बेस में दोस्तों आउटपुट IC होता है और इनपुट IE होता है, तो अल्फा की वैल्यू होती है अल्फा इक्वल टू IC अपान IE। इसी प्रकार अगर हम बीटा की वैल्यू दोस्तों देखें तो ये कॉमन एमीटर की बात करते हैं तो कॉमन एमीटर में क्या होता है कि आपका सिंपली यहां पर IC अपान यहां पर क्या हो जाएगा IB हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर इसी प्रकार से गामा कॉमन कलेक्टर सर्किट की बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की तो उसमें आपका यहां पर निकाला जाता है। तो आपको यहां पर थोड़ा ओवरव्यू मिला दोस्त कि बीटा होता क्या है, तो यहां पर आपको दोस्त यह पता चला कि IC इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB जो है इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को आप डायरेक्टली यहां पर पुट कर देंगे, तो जैसे आप दोस्त यहां पर पुट करेंगे तो VTH IB RTH माइनस VB और यह हो जाएगा दोस्त आपका बीटा प्लस 1 IB इंटू RE होगा। अब यहां पर आगे हम इंक्लूड करेंगे दोस्त, हमको निकालना है बेस करंट, तो बेस करंट निकालने के लिए यहां पर IB निकालना है, तो इस सारी वैल्यू को आपको एक साइड भेज देना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आप इस पॉइंट को ही आपको उधर लेकर चले जाएंगे, तो आप निगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन IB और IB के अलावा जो वीटा प्लस 1 है और RE है इसको आप दोनों को नीचे अपान में भेज देंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त, यहां पर आपका VTH और माइनस VB ऊपर है और ये सारी चीजें यहां पर नीचे इंक्लूड की गई, चूंकि आपका IB और IB इसमें दो, हाँ दोस्त एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर इसमें भी IB है, इसमें भी IB है, तो पहले तो आपको दोनों में कॉमन लेना होगा, जब आप कॉमन लेंगे तो आपको दोनों कॉमन उधर जाएगा और यहां पर बचेगा नीचे आपका RTH
प्लस बीटा प्लस वन आर ई। मैं आशा करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक साइड दोनों को ले जाना है, पॉजिटिव हो जाएगा, अपान में भेजेंगे, आई बी इक्वल टू इतना हो जाएगा। मेरे साथ आप जुड़े हैं तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से ये चीजें समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्त, ये सब बहुत छोटी चीज है, आपको ये चीज तो पता है दोस्त कि आपको किस प्रकार से किस साइड पक्षांतर करते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, आई बी आपको बेस करंट पता चल गया, अब आपको आउट साइड देखना है। अभी आपने इनपुट साइड देखा, अब आउटपुट साइड देखने का मतलब दोस्त क्या हुआ, अब इधर आपका R1 R2 अर्थात RTH और VTH का कोई यहां पर बात हम नहीं करेंगे। आउटपुट साइड में आपका क्या होगा, कलेक्टर एमीटर आपका वोल्टेज होगा, VC सप्लाई होगी, ICRC होगा, IERE होगा, लेकिन यहां पर RTH VTH की कोई भी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको हमने बताया RTH VTH कहां से आया, वो R1 और R2 रेजिस्टेंस से आया है RTH, ओके। और जो आपका VTH आया वो बेस पॉइंट अर्थात बेस टर्मिनल से आया है, तो इसलिए यहां पर बेस की हम बात नहीं करेंगे, ओनली कलेक्टर और एमीटर की बात करेंगे। तो यहां पर आउटपुट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो वही ट्रांजिस्टर है, वही सब कुछ यहां पर इंक्लूड किया गया है, बस किया क्या गया दोस्त, जो आपको ऊपर से सप्लाई वीसीसी दी जा रही थी उसी को यहां पर पूर्ण रूप से कनेक्ट कर दिया गया। अभी आप देख रहे थे वही को कनेक्ट किया गया, बस इनपुट साइड को हटा दिया गया है। तो होता क्या है दोस्त, ये फार्मूला होता है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICBO, ये आपका प्लस ICBO होता है, यहां पर इक्वल नहीं, प्लस ICBO कर लीजिए। और यहां पर अगर आपको दोस्त ICBO का मान जीरो अर्थात ये क्या होता है, ये लीकेज करंट होती है, अर्थात उसके तुलना में लगभग नगण्य, इसको निगलिजिबल कहा जा सकता है, तो ये आपको इसको लगभग आप क्या कर सकते हैं, इसको लगभग आप शून्य लिख सकते हैं। जब आपको इसको लगभग निगलिजिबल कर देंगे तो आपका IC इक्वल टू हो जाएगा बीटा IB। अब इसको आपको ध्यान से यहां पर ये समझना है, अब आपको यहीं पर तुरंत दोस्त ये लूप नंबर 2 होगा, इसमें आपको KVL लगा देना है। जब यहां पर आप KVL लगाएंगे तो दोस्त आप ध्यान से देखिए, यहां से आप चलेंगे इस साइड से तो पहले सबसे पहले पड़ेगा VCC, फिर आप घूम के इधर आएंगे दोस्तों, फिर आपका RC रेजिस्टेंस होगा तो माइनस ICRC होगा, फिर आप आगे जाएंगे दोस्तों आपको VCE रेजिस्टेंस होगा तो माइनस VCE लिखेंगे, फिर और आगे आप जाएंगे दोस्तों तो आपको RE रेजिस्टेंस मिलेगा तो लिखेंगे माइनस IE, और क्या लिखेंगे दोस्त RE इक्वल क्या लिखेंगे जीरो। अब आइए हम सर्किट को ही कंप्लीट दिखा देते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं VCC माइनस ICRC, फिर आपका माइनस VCC, फिर आप जब यहां पर नीचे एकदम आ जाएंगे तो दोस्त आपको यहां पर रेजिस्टेंस आ रही है तो माइनस IERE इक्वल जीरो। आशा करते हैं आपको दोस्त KVL ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, अगर आपको नहीं आती तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत ही बेसिक चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्लेलिस्ट का दिया है, क्लिक करें, टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं पूरी मेहनत के साथ आपको एक पॉइंट को समझाया है और आप आशा करेंगे वो चीजें सारी समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ है कि ये चीजें आपको इंक्लूड की गई। अब यहां पर हम निकालेंगे VCC जो कि आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे, तो जो दोस्तों ये VCE है हम इसको इस साइड मतलब उस साइड भेज देंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात पॉजिटिव VCE हो जाएगा, और इधर आपका VCC माइनस ICRC माइनस IERE होगा। अब यहां पर दोस्त क्या होता है कि एमीटर और कलेक्टर करंट लगभग यहां पर क्या कर दिया जाता है, इक्वल, क्योंकि आपका लीकेज करंट जब आप निग्लिजिबल करेंगे अर्थात यहां पर बेस करंट को जब निग्लिजिबल करेंगे तो बेस करंट निग्लिजिबल होने से दोस्त यहां पर लगभग आई, देखिए आपको ये कहना चाहेंगे जो आपकी आउटपुट करंट होती है, जैसे यहां पर बताया गया दोस्त एमीटर यहां पर इनपुट और आउटपुट कलेक्टर होगी, तो यहां पर होता क्या है कि जब यहां पर आपकी जो आउटपुट है वो आपकी इनपुट के बराबर पूर्ण रूप से नहीं होती है, अर्थात जो कलेक्टर होगी पूर्ण रूप से एमीटर के बराबर नहीं होगी, तो यहां पर होता क्या कुछ दोस्त बेस भी करंट होती है, क्योंकि आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है दोस्त कि IE इक्वल टू होता है IB प्लस IC, अर्थात दोस्त कलेक्टर और बेस दोनों करंट का यहां पर ये योग होता है आई। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि आपके ऑलरेडी यहां पर ये चीजें आपको हमने बताई थी कि आपके ऑलरेडी ये समझ सकते हैं कि आपकी जो आई होगी ये आपकी क्या होगी, दोनों से ज्यादा होगी, अर्थात कलेक्टर से तो ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ परसेंटेज बेस होती है और सबसे ज्यादा यहां पर क्या होती है एमीटर, फिर आपकी क्या होती है कलेक्टर, क्योंकि ये कलेक्टर जो होती है ये आपका आई बी में जुड़कर होती है आई ई के बराबर, ठीक है, तो इसलिए आपकी थोड़ा कम होती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्त ये आपको क्या किया गया VCE इक्वल टू VCC माइनस IC, यहां पर क्या किया गया दोस्त IC के लगभग बराबर करने की वजह से यहां पर IE की जगह पर IC रख दिया गया, IE की जगह पर IC रख देंगे तो ये दोनों में IC IC कॉमन हो जाएगा, जब IC IC कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा RC प्लस RE, ओके। अब देखिए ये चीज आपको आउटपुट वोल्टेज भी प्राप्त हो गया VCE, और यहां
पर आपको दोस्त आईसी भी प्राप्त हो गया, बोले तो कलेक्टर करंट, जो आपको फार्मूला होता है बीटा आईबी, और यहां पर आपको आईबी बोले तो बेस करंट भी। तो इस प्रकार से आप जब यहां पर इन सभी को जो आपके मेन पॉइंट्स हैं दोस्त, इन्हीं कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर, देखिए दोस्त जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों, जो डीसी लोड लाइन होता है जो खींचा जाता है वो इन्हीं सभी के बीच खींचा जाता है, अर्थात जो आपका आउटपुट वोल्टेज होता है, इनपुट करंट होती है, आउटपुट करंट होती है, जो कि तीनों चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, इन्हीं के बीच यहाँ पर खींचा जाता है। तो इसी के माध्यम से यहाँ पर आप निकाल सकेंगे और आपको बताना चाहेंगे ये सबसे बेस्ट आपका पोटेंशियल डिवाइडर जो सर्किट है सबसे बेस्ट है आप सभी के ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों पॉइंट को निकालने के लिए। अब बात आती है दोस्त इससे टेम्परेचर या बीटा के मान में परिवर्तन पर, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कहते हैं दोस्त कि यदि टेम्परेचर या बीटा के मान में परिवर्तन कर दें तो कलेक्टर करंट आईसी में वृद्धि हो जाएगी, कलेक्टर करंट आईसी में वृद्धि हो जाएगी। अब बात यहां पर यह आती है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि टेम्परेचर तो ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट के वहाँ पर मतलब विक्षोभ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि कलेक्टर करंट बढ़ेगी, लेकिन बीटा के मान में वृद्धि होने से कैसे। तो आपको हमने अभी जस्ट अभी फार्मूला बताया दोस्त, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब बीटा के मान को आप बढ़ाएंगे तो इसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई सी का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर बीटा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कलेक्टर करंट में वृद्धि होती है, और जब कलेक्टर करंट में वृद्धि होती है तो एमीटर करंट का मान बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि दोस्त क्या होता है आईई जो होती है वो आपके आईसी के लगभग बराबर होती है, तो जब यहां पर आपके आईसी का मान भी बढ़ेगा तो आईई का मान भी बढ़ेगा। अब देखिए दोनों चीजें जब बढ़ेंगी दोस्त तो यहां पर आपका क्या होगा वोल्टेज, यहां पर आपका क्या होगा दोस्त विभव पात भी होगा जो कि आपका V बराबर I इनटू R होता है। तो यहां पर एमीटर पर क्या होगा, एमीटर रेजिस्टेंस पर विभव पात होगा जो कि फार्मूला होगा VE इक्वल टू RE इनटू आरी का मान बढ़ जाएगा। विभवपात दोस्त कहां पर होगा आप देख सकते हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सर्किट आपका आरी रेजिस्टेंस है, यहां पर आपका VE into RE ये होगा, वो आपका क्या होगा V इक्वल टू जो आपका हमने बताया, एक मिनट दोस्त हम आपको क्लियर करते हैं। यहां पर देखिए ये आपका जो है V बराबर I इंटू R, तो यहां पर एमीटर रेजिस्टेंस है उस पर विभवपात भी बढ़ जाएगा, और जब विभवपात चूंकि आपकी एमीटर करंट चूंकि आपका V बराबर I इंटू R है दोस्तों, और जब I का मान आई का मान बढ़ेगा, जब कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो एमीटर करंट बढ़ेगी, और एमीटर करंट बढ़ेगी तो आपकी VE मतलब विभवपात भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब दोनों के मान बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं वी बी ई इक्वल टू लिख सकते हैं बेस एमीटर, जो आपका वोल्टेज किसके दोनों के बीच में होता है बेस और एमीटर के बीच होता है, तो आप लिख सकते हैं वी बी माइनस वी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप वी ई का मान बढ़ेगा, इसका मान अगर बढ़ेगा तो आपके वी बी ई का मान घटेगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपका यहां पर VE का मान बढ़ता है तो VBE का मान घटेगा, क्योंकि ये आपको फार्मूला दोस्तों पता है कि VB इक्वल टू लिख सकते हैं, ये तो VB होगा, VE की जगह पर आप IE इनटू RE लिख सकते हैं, ये चीज आप समझ गए दोस्त। तो यहां पर अगर VE का मान बढ़ता है तो VE का मान बढ़ेगा, तो VBE का मान बता वोल्टेज बेस एमिटर वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा घटेगा। अब जब बेस एमिटर वोल्टेज घटेगा तो आपका क्या होगा दोस्त IB अर्थात बेस करंट घटेगी, और बेस करंट तो आईसी में कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी, और इस प्रकार ये क्या होगा संतुलन में आ जाएगा। देखिए ये चीज भी यहां पर इंक्लूड की गई कि यदि पोटेंशियल डिवाइडर में प्रतिरोधकों के मान में उचित चुनाव किया जाए तो ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को बीटा के मान से इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों बात यह है कि अगर आप रेजिस्टेंस जो R1 R2 रेजिस्टेंस का चुनाव किए हैं, अगर आप बहुत सही तरीके से उसको चुनाव करते हैं कि एक ओम दो ओम कितना ओम रखा जाता है, अगर सही चुनाव करते हैं तो वहां पर ट्रांजिस्टर के जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसके बीटा के मान में जो परिवर्तन है या टेम्परेचर के परिवर्तन है इससे उसको स्वतंत्र कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने पर एक पॉइंट वाइज बनाया है कि देखिए हम आपको समझाना चाहेंगे, इस चीज को आप बढ़िया आराम से समझ सकते हैं। अगर आप दोस्त टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट आपकी कॉमन बेस की जो लीकेज करंट है वो बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगी दोस्त कॉमन एमिटर की लीकेज करंट बढ़ेगी, और जब वो लीकेज करंट बढ़ेगी तो आपके आईसी का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, अर्थात कलेक्टर करंट का मान बढ़ेगा, और जब कलेक्टर करंट का मान बढ़ेगा तो आईई का मान घटेगा। क्यों दोस्त, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि आईई जो होता है वो आपका आईबी प्लस आईसी के बराबर होता है, तो सिंपली अब आईसी का मान बढ़ेगा कलेक्टर का तो एमीटर का मान भी बढ़ जाएगा, और जब एमीटर का बढ़ेगा तो आईई आरई जो आपका विभव पात हमने जो बताया था वो आपका बढ़ जाएगा जो एमीटर पर है। तो जब विभव पात दोस्त बढ़ेगा तो आपका बेस एमीटर वोल्टेज घट जाएगा, बेस एमीटर वोल्टेज आपका विभव पात दोस्त क्या होता है विभव पात आपका बढ़ेगा तो वोल्टेज आपका क्या होगा घट जाएगा, तो जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो आपका घट जाएगा, और जो बेस एमीटर बेस पर जब वोल्टेज घट जाएगा
जाएगा तो बेस पर करंट बोले तो आईबी भी घट जाएगी, और जब आईबी घट जाएगी बोले बेस करंट तो आपके आईसी का मान भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको पता है दोस्तों आईसी इक्वल टू क्या होता है, आईसी इक्वल टू होता है बीटा आईबी, और जब यहां पर आपकी बेस करंट, यहां पर आपकी बेस करंट घटेगी तो आईसी का मान भी घट जाएगा। जो बेस करंट का मान घटेगा तो आईसी का मान घटेगा। अब यहां पर यह चीज आपको समझना है कि आप देख रहे हैं आईसी का मान यहां बढ़ रहा है और यहां आईसी का मान घट रहा है, तो इस प्रकार ये दोनों क्या हो जाते हैं, संतुलन में आ जाते हैं। अगर दोस्तों आईसी का मान लगातार बढ़ता जाएगा तो एक समय आपका ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो जाएगा, अर्थात वो खराब हो जाएगा और वहां पर फॉल्ट आ जाएगी। तो आईसी का मान क्या करना है, हमको कम करना है। उसमें लगातार अगर टेम्परेचर उसका आईसी का मान बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक समय क्या होगा उसके जंक्शन में फॉल्ट आ जाएगी। तो यही होता है दोस्तों कि यहां पर आईसी का मान आसानी के साथ सबसे बेस्ट तरीका है और बहुत आसान तरीका है। देखिए यहां पर इस साइड से आप देखेंगे टेम्परेचर, इस प्रकार से बीटा, आप दोस्तों हमने आपको या में ऑप्शन दिया अर्थात और में हमने बताया, या फिर आप टेम्परेचर को यहां पर बढ़ता है या फिर बीटा के मान में परिवर्तन होता है, दोनों कंडीशन में आपके आईसी का मान बढ़ेगा। तो यहां पर पहले कंडीशन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका लीकेज करंट बढ़ेगी, उसके बाद आईसी का मान बढ़ेगा, और यहां पर डायरेक्टली अगर आपका बीटा का मान बढ़ेगा तो आईसी का मान बढ़ेगा, और इस प्रकार से यह सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहां पर आपने ये चीजें देखा दोस्त कि आईसी का मान जो कलेक्टर जो आउटपुट करंट है वही मेन यहां पर पॉइंट किया जा रहा है। तो दोस्त मेन तो वही है कि जो आपकी आउटपुट कलेक्टर करंट है अगर उसी के मान को संतुलन में नहीं रखा गया तो कलेक्टर बेस जंक्शन पर जो आपका होगा वहां पर फॉल्ट आ जाएगा और आपका ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको इंक्लूड की पोटेंशियल डिवाइडर रूल में। आप एक बार वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी में इसको लिखें और समझें, एक बार पूरा कंप्लीटली एक बार अपने से पढ़ने के बाद बिना देखे अपने से लिखें तो ज्यादा बेस्ट तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद धन्यवाद।